The very special episode of Your Britain, yes, Your Britain, every Monday 5 p.m. UK time on Kanji TV, Sky Channel 772. Yes, your number one entertainment channel, broadcasting to over 180 countries. Yes, you've heard me right, 180 countries live is watching this broadcast. And of course, you can see the repeat every Friday at 2 p.m. Other than that, you can go onto the social media websites, Facebook, YouTube, and many other Kanji TV websites and media channels where you can watch this program again. And today, I truly mean it's a very special program. Today we're blessed with a very, very special guest here in the studio with me. Just before I do that, let me also remind you that Kanji TV is running the appeal today. So please support Kanji TV. The lines are open. This is a live telecast broadcast on 01-21-502-4304. Live call is 0300-770-2246. And you can WhatsApp us on 0776-598-7635. So ye to chand raste hain where you can contact us. So jis tarah maine pehle bhi kaha hai ki this is your TV channel, this is a community TV channel. Jis tarah aapko pata hai, main bade fakhr ke saath ye keh sakta hoon ki Kanji TV, chahe wo mazhabi program ho, siyasi ho, jis tarah aapne dekhe pichle dinon mein UK ke andar jo political arena thi, jo election the, wahan bhi program maine pesh kiye hain. Agar koi karobari shakhsiyat ho to uske bhi interview hum yahan Yo Britain mein lete hain. Social, domestic, charitable, welfare, alhamdulillah, अल्लाह के फजलो करम से ये जो यो ब्रिटेन का प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी. जो आदमी, मर्द, औरत वो आना चाहता है तो वो ज़रूर, जिस तरह पहले भी मुझसे लोग रब्ता करते हैं, आइंदा भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मेरी अपनी फेसबुक जो हर आदमी अमूमन जानता है, शहजाद इकबाल पर, वहाँ पर मैसेज भी आते हैं मुझे काफ़ी, और व्हाट्सअप भी आते हैं. तो इंशाल्लाह इस तरीके के साथ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. जस्ट मुझे ये भी ज़रूर समझता हूँ कि ये जो अभी 14 और 15 तारीख के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, 14 तारीख तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस था. मेरे जितने बहन भाई हैं पाकिस्तानी, नन पाकिस्तानी हैं, तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को जो है ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और जो कल था 15 तारीख को, वो भी हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस था. जितने मेरे बहन भाई हैं, इंडियन और नन इंडियन हैं, उन सबको कांजी टीवी की तरफ से, यो ब्रिटेन की तरफ से, मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो. एट द एंड ऑफ द डे वो उन लोगों को पता है जिनके पास आज़ादी की ये नेमत नहीं होती है, उनसे जाके आप पूछे कि आज़ादी क्या होती है. बहरहाल आज जो प्रोग्राम मैंने करना था वो तो मैं इंडिपेंडेंस डे पे करना था, लेकिन हजरत साहब क्योंकि इनका एक प्रोग्राम आ रहा है जो अभी 22 तारीख को, उसके हवाले से तो बात करेंगे. वो संडे, जो अभी संडे आने वाला है, वो प्रोग्राम होगा मल्टी फेथ और मल्टी कल्चर के हवाले से. ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हजरत साहब की बड़ी करम नवाजी है, जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी है कि शहजाद आप जिन जिन लोगों से बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको इन्विटेशन भी दे दें, और उसके हवाले से वो आप ये करें कि एक मल्टीकल्चरल, जिसमें हमारी हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनमें से भी लोग आएंगे. और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम में हो रहा है, उसके हवाले से मैं थोड़े से डिटेल आपको दूंगा. लेकिन ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि टेलीफोन लाइन्स हमारी भी खुली हैं, और जो अपील है वो अपील जारी है आज के लिए. उसके हवाले से भी प्लीज़ आप अपना जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो ज़रूर डोनेट करें, ठीक है? क्योंकि ये टीवी आपकी सपोर्ट की वजह से चल रहा है. और अगर बिज़नेस कम्युनिटी हमारी सुन रही है तो अगर आप अपनी बिजनेसेस यहाँ पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए खुली हुई हैं. तो हमारे जो रेट्स हैं, आपने अक्सर देखा मेरी फेसबुक पर और मेरे प्रोमो जो टीवी पे चल रहे हैं कांची टीवी पर, वो आपने देखे कि वी हैव अ पैकेज स्टार्ट फ्रॉम £99, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू बीट एनी अदर कंपेटिटर एट दिस, सो प्लीज डू गेट इन टच विद अस अगेन, टीज एंड सीज अप्लाई. तो आगे मैं चलता हूँ अब अपने मेहमान हजरत किबला पीर जानजे बादशाह कासिमी वली मोरा शरीफ. अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास वो जुमले तो है नहीं कि मैं इनकी इंट्रोडक्शन करूं. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिस प्यार के साथ आप लोगों ने मुझसे रब्ता किया, क्योंकि ये प्रोमो एक हफ़्ते से चल रही है मीडिया पे, तो आप लोगों ने मुझसे बहुत रब्ता किया, बहुत मैसेंजर पे भी रब्ते हुए हैं, व्हाट्सअप पे भी हुए हैं, और काफ़ी लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि हज़रत साहब से कोई तरीका है मिलने का या
गया उनका नंबर, तो जिन भाइयों ने गालबन 15-20 आदमियों ने जो रबता किया उनमें हमारी बहनें भी थी कि हज़रत साहब का हमें को रबता नंबर चाहिए, तो मैं उस वक्त आपको ये जवाब दिया, आज लाइव भी ये दे रहा हूँ कि हज़रत साहब की इजाज़त के बगैर मेरे लिए मुश्किल हो जाता था कि उनका पर्सनल नंबर मैं आपको दूँ, लेकिन आज अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो वो उनकी मर्ज़ी है, तो फिर इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा, ये तो हज़रत साहब के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो हज़ूर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और कांची टीवी की तरफ से आपको अपने स्टूडियो यहाँ पे वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू योर ब्रिटेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू कांची टीवी सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शहजाद इकबाल मुगल साहब, आपका शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे इधर इनवाइट किया कांची टीवी पे। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। थैंक यू सर। और कदम कदम पे आपको बहुत बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह अपनी बारगाह से अता फरमाए। आमीन आमीन। हुज़ूर हुज़ूर प्रोग्राम के हवाले से तो मैं बात आगे जाके करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह मैंने कहा कि मेरे पास वो जुमले नहीं है कि मैं किस ज़ुबान से आपकी इंट्रोडक्शन करूं, अल्लाह पाक ने जो आपको इज़्ज़त से दी हुई है, इज़्ज़त से नवाज़ा हुआ, आज से नहीं गालबन 200 साल पहले हम चले जाएं तो जिस दरबार से आपका तल्लक है मोरा शरीफ से, वो तो बच्चा बच्चा जानता है, उसका वास्ता भी है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे भाई हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं जो हमेशा जिस तरह दातागंज बख्श के दरबार और बाकी जितने भी दरबारें हैं पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे आते जाते रहते हैं, और वो आप जो मोरा शरीफ की बात करें वहाँ पे उन लोगों की हाज़िरी होती है। यकीन करें कि जब मैंने ये प्रोमो लगाई थी तो मुझे जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने रबता करके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे सब आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो हुज़ूर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें मोरा शरीफ के हवाले से हमें दें, तो ये हमारी लोगों, हमारे बहन भाई ये जो देख रहे हैं कि 180 मुल्क हमें देख रहा है लाइव अभी, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। हाँ जी, ये मोरा शरीफ जो है इसके बानी और वाली मोरा शरीफ हज़रत पीर मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने पीर मुर्शिद कई शरीफ जो मुजहराबाद में है ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी, आपसे आपकी बैत थी और आपने आपके मुर्शिद ने आपसे कहा कि आप किसी ऐसे इलाका में जाएं जो वीरान और जंगल और बियाबान हो। जी जी। तो आप मरी के इलाका में आए तो मोरा शरीफ जो पहले इसका नाम मोरा इसवाल था। जी जी। तो आप इधर तशरीफ़ लाए और देखा कि ये जगह मौजूं है मेरे लिए। ठीक है। तो आपने वहाँ से अपनी ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको स्टार्ट किया। जी जी। उधर आप एक दरख्त के नीचे और एक बड़े बहुत बड़ा एक पत्थर था उसके ऊपर बैठ के आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अपनी जो ज़िंदगी थी उसको स्टार्ट किया। अच्छा। तो 40 दिन का वहाँ पे आप बैठे तो 40 दिन के बाद लोगों की आमदोरफ्त आना शुरू होगी। जी जी। और करते करते इस वक्त मोरा शरीफ जो है वो दुनिया में हर जगह आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन, आपके अकीदतमंद दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं और आपका फैज़ आम है। आपके फैज़ से मुस्तफीद होने वाले बड़ी दरगाहें हैं, जिस तरह आप कह लें कि नहरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर में है। जी जी। गमगोल शरीफ क्वाट में है। जी जी। कोटगुल्ला शरीफ मियांवाली में है। पीर सैयद सिबगतुल्ला शाह ईरानी। जी जी। आप उधर सिंध में हैं और ख्वाजा अब्दुर्रहीम बागदरवी। जी जी। उस वक्त हिंदुस्तान में जो चोटी के उलमा थे उनमें से एक ख्वाजा अब्दुर्रहीम बागदरवी थे जो आपके पहले खुलफा में से हैं। ठीक है। पीर सैयद इमाम बख्श साहब बंगाली शरीफ। जी जी। तो इस तरह आपने आपके कोई तकरीबन 700 से जायद खुलफा ऐसे हैं जिनके आगे सिलसिले चले। ठीक है। तो वैसे तो आपने 32,000 लोगों को खिलाफत अता फरमाई और लाखों भटके हुए लोगों को तरीकत पे चलाया और इस्लाम की राह डगर पे उनको चलाया। हुज़ूर उसमें थोड़ा सा ये भी हम टच करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि सूफीज़म है, क्योंकि ज़ाहिर है कि
इसका भी काफ़ी रोल रहा है। हमारी जितनी भी दरबारें हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, जहाँ भी हैं, तो उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस इस पॉइंट को भी हाईलाइट करें। मेरी स्टडी के मुताबिक, मेरे नज़दीक जो इस्लाम है या कोई भी मज़हब है, उसमें जो स्पिरिट है वो मरकज़ी उसका किरदार है। ठीक है। और इस्लाम में तो कहते हैं कि इस्लाम की रूह जो है वो सूफ़ी है। ठीक है। लेकिन सूफ़ी सही होना एक बहुत बड़ा मुजाहिदा है। ठीक है। क्योंकि अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना और दूसरों की तरफ तवज्जो करना। ठीक है। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने देखा है कि बाबा जी कासम मौलवी और हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद जैद ख़ान साहब, अल मशहूर पीर ख़ान साहब, जिनको मैंने ख़ुद देखा है और बचपन उनके मेरे ओ पीर व मुर्शद और मेरे दादा भी तो देखा है कि आपने पूरी ज़िंदगी में कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई कोठी नहीं बनाई, कोई गाड़ियों की वो क्या कहते हैं लाइने नहीं लगाई। अच्छा। पूरी लाइफ उनकी जो है वो इंसानियत की खिदमत में गुजरी माशाल्लाह, वो आखिर दम तक इंसानों की तरफ से। और ये भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सूफ़ी का जो दरबार है उसमें कोई तमीज़ नहीं है कि वे किस मज़हब से है, किस रंग से है, किस नस्ल से है, किस मुल्क का है। वो उनके दरबार में सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की कदर है। आगे आपके अखलाक हैं कि आप अपने अखलाक से किसी को मुतासर करें और वह इस्लाम में दाखिल। हुज़ूर, जिस तरह बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हर कोई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह आपने थोड़ा सा भी टच किया है कि लंबी लंबी गाड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया कोठियाँ, और ये आजकल एक अमूमन एक स्टाइल बन गया है कि पीर साहब के आगे भी दो चार सिक्योरिटी वाले होंगे, दो चार सिक्योरिटी वाले पीछे होंगे, क्योंकि पीर साहब को बड़ा ख़तरा होगा कि पता नहीं मेरे साथ कौन सी ज़्यादती होने वाली है। बहरहाल, इन्होंने जो तो असल है या जो किसी को फॉलो करते हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये वाजिया आप क्लियर कर, मैंने भी क्लियर कर दिया, रज़ा साहब ने भी क्लियर कर लिया। लेकिन जो सिर्फ़ अपने मफाद के लिए हैं और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल रेवेन्यू, फाइनेंशियल गेन के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है, लंबे लंबे चोले पाए हुए, बढ़िया बढ़िया पगड़ियाँ इन्होंने की थी, और जो जब तकरीरें करते तो आदमी कहता बस जी जो कुछ ये कह रहे हैं सच्ची है, लेकिन अंदर से वो और होते हैं, बाहर से कोई और होते हैं। ये हम भी अक्सर देखते रहते हैं, आप भी पूरी ज़िंदगी होगी, आपने बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, आपने भी ये सब कुछ ये देखा सुना है, और दिन रात इनकी यही कोशिश होती है, और इनकी आंखें हमेशा लोगों के जेबों पर होती हैं, ना इनको कोई इंटरेस्ट होता है अपने रिलीजन की तरफ। मैं चाहे कोई पीर हो, चाहे मंदित पंडित हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी बाहर रिलीजन की बात कर रहा हूँ जो इसको यूज़ एंड अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो, जिस तरह आपने पहले कहा कि जो असल पीर थे, असल औलिया अल्लाह वली जो भी थे, जो सिर्फ कम्युनिटी को या लोगों के लिए जी रहे थे और अल्लाह रसूल के लिए जी रहे थे, उसके बाद लोगों की खिदमत के लिए जी रहे थे, ये बिल्कुल आपने देखा है इसका अपोजिट नाउ। आज वो अगर जी रहे हैं तो अपने लिए जी रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए जी रहे हैं, और अपने फाइनेंशियल रेवेन्यू के लिए जी रहे हैं। तो उसके हवाले से, जिसको पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, इंडिया के अंदर भी आप देखें, रोज़ सोशल मीडिया पे ये हाईलाइट होता है, फलां पीर ने ये काम किया, फलां पीर ने ये काम किया, फलां पीर ने अभी मैं किस किस काम का मैं नाम लूँ, लेकिन हमारे सुनने वाले बड़े अच्छे तरीके के साम समझ गए कि जो मैं इशारा दे रहा हूँ। और यूके के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को सिर्फ यूज़ एंड अब्यूज़ और उनको इस्तेमाल करते हैं, और मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से जितनी हमारी कम्यूनिटी है, जिस तरह हमारी आज़ाद कश्मीर और कश्मीरी कम्यूनिटी, मिरपरी जिसको हम कहते हैं, मिरपरी कम्यूनिटी है, मैं इनके आगे हमारे यहाँ पर मिसबाल मालिक साहब चंद महीने पहले आए थे और हम दोनों ने आपके सामने हाथ बांधे थे कि खुदा रा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मांगे और इनसे आप बचे। इनका तो काम ही दिन रात ये मांगना, और इनको कुछ नहीं आता है, मांगना सिर्फ इनका काम है, कम्युनिटी के हवाले से या तालीम के हवाले से या मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इनका कोई इतना दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ इनका ये होता है जो 50 देता है हुज़ूर वो थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाए, जो 500 देता है वो दरमियान में आ जाए, और जो 1000 देता है वो तो बिल्कुल हमारे साथ आके बैठे। ये इन्होंने ड्रामा रचाया
बनाया हुआ है, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया लंबी लंबी गाड़ी और बड़े बड़े मकान, तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से भी आप थोड़ा सा लोगों को आगाह करें, आप हमारी माओ बहनों को आगाह करें, जो बेचारी मैं तो उनको बिल्कुल नाइव ही कहूँगा, इंग्लिश में यही बहुत मुनासिब एक हर्फ है कि वेरी नाइव, आंखें बंद करके कहती हैं ये ले जी हमारी ये करें, हमारे ये बंगा है, ये हमारे पैसे, पीर साहब दुआ करेंगे, पीर साहब ये करेंगे, पीर साहब दुआ करेंगे तो बच्चा या बच्ची होगी, पीर साहब दुआ करेंगे तो हमारा घर जो है ना, अरे खुदा का सवाल है, इनका अपने घर उजड़े हुए हैं, तो आपको ये आपके लिए ये दुआ करेंगे और आपके लिए ये काम करेंगे। और दोबारा मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, नॉट रिफरिंग टू एवरीबॉडी, अच्छे लोग भी वहाँ आउटसाइड हैं, कम्युनिटी के अंदर हैं, इंडिया पाकिस्तान यूके अमेरिका अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनमें से अक्सर आप देखेंगे कि ये ड्रामेबाज, इन्होंने अपना ड्रामा मचाया हुआ है। जी हजूर, इसके बारे में आप। हाँ, ये तो शुरू से चल रहा है कि हर मज़हब में, हर कम्युनिटी में, हर मुल्क में, हर इलाके में हर किस्म के लोग होते हैं। जी जी, वो इसी तरह ये सूफिया इकराम की जो जमात है, इसमें भी ऐसे लोग आ गए हैं कि वो जिनका सूफियों के साथ कोई तल्लक नहीं, वो यूज़ करते हैं नाम को। ऐसी तंजीमें भी आ गई हैं कि सिर्फ वो बस वो अपने वो क्या कहते हैं, अपनी वेलफेयर को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल जो उनका है टारगेट, जी जी, उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने कहा कि कोई काम भी करो उसके उससे पहले, करने से पहले खूब सोचो, खूब तहकीक करो, फिर कदम उठाओ। अगर आप किसी के साथ आप ताल्लुक रखते हैं स्पिरिचुअली या दीनी तौर पर, तो आपको चाहिए कि पहले उसकी पूरी तहकीक करें। जब आपको सेटिस्फाई हो जाएँ कि भाई ये वाकई ठीक बंदा है, ये तंजीम ठीक है, फिर उसके साथ आप जो हैं वो क्या कहते हैं, उसके साथ अपनी खिदमात जो हैं वो पेश करें। हजूर, ऐसे केस भी हैं, आपने सोशल मीडिया शायद अगर आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया के अंदर कितनी पोस्टें आती हैं, और पिछले दिनों में दो मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि वहां पे एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें पीर हजरत के नाम वहां पे लिखे हुए थे, और उनके साथ जो उनका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू मैं कहीं 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ या 2 लाख, नहीं, आई एम टॉकिंग इन मिलियंस, मिलियंस ऑफ पाउंड्स इनके पास कैसे आए और किस तरह इनके पास आए। इसी तरीके के साथ हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने, अभी मैं उस मौजू पे भी आऊँगा थोड़ी देर के बाद, ईद के हवाले से पहली बार हमने देखा है कि यहाँ पे 3-3 ईदें यहाँ पे, और उस भाई ने, वो मेरे प्रोग्राम में आएंगे अगले दिनों में, उस भाई ने जब ये बेड़ा उठाया और लाइव वो जब गए सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कहा खुदा रहा कि हमारे घरों को ना आप ख़त्म करें, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली, क्योंकि आप अपने मुफाद के लिए, अपने चंदे के लिए, अपने ज़ाती इख्तलाफ के लिए आप पूरी कम्यूनिटी को डिवाइड कर रहे हैं। और एक साहब ने वहाँ से जो उनको रिप्लाई किया, नहीं जी ये तो जो जवाब, ये ऐसे लोग सिर्फ बोंकते हैं। अरे अभी मैं तो टीवी पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बोंक वो रहा है या कोई और ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर किसी ने ये जुर्रत की है और सामने आया है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय चंद मैंने देखे उलमा, और नहीं जी उनको क्या पता है, उसको मसले का क्या पता, उसको इस्लाम का क्या पता। यार आपको ज़्यादा मसले के बारे में पता है, जो आपको पता है वो पूरी दुनिया जानती है कि आपके मसलों में बारे, आप जो मसले जानते हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि कौन कौन सा मसला आप जानते हैं। लोगों को बिल्कुल अंधेते नहीं है, यहाँ से लोग यहाँ से खाते हैं, यहाँ से नहीं खाते हैं, सिर्फ ये है कि लोग बोलते नहीं है, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी को कहते हैं छोड़ो यार हम क्या बोलें, क्या हमारे पास टाइम नहीं है, लोग बच्चों में मसरूफ हैं, कारोबार में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उस पोजीशन को यूज़ एंड अब्यूज़ करें। तो ये हजूर, इसके बारे में जिस तरह मैंने कहा कि पोस्ट आपने देखी होगी या शायद आप की नज़रों में गुजरी है, पूरी एक लिस्ट थी हजूर, लंबी लिस्ट थी लाखों करोड़ों में। अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर मेरी 40,000 तनख्वाह या 50,000 तनख्वाह है, तो मैं बहुत बड़ा अगर जंप लगाऊंगा तो 2 या 3 या 4 मकान ले लूँगा, बहुत बड़ा अगर जंप लगाऊंगा। अगर गाड़ी है तो मैं 10,000 की, चलो 20,000 की ले लूँगा। ये तो मैं वो कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्सट्रीम जंप लगा कर। ये कौन सी मजाक है, यहाँ पे 700-800 हज़ार इनकी प्रॉपर्टी है, करोड़ों इनके बैंक में पड़े हुए हैं, अगर यहाँ नहीं पड़े तो पाकिस्तान के अंदर पड़े, अगर वहाँ नहीं पड़े तो इंडिया में पड़े, अगर वहाँ नहीं पड़े तो बांग्लादेश में पड़े, ये क्या ड्रामा बना हुआ है हमारी कम्युनिटी के साथ? मेरे नज़दीक तो मुझे 50 साल हो गए हैं इंग्लैंड में। जी हजूर, तो मैंने तो ये नोट किया कि ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। एब्सोल्युटली, हम बगैर सोचे समझे कुएं में छलांग लगा देते हैं, तो फिर कहते हैं हो डूब गए हैं। अच्छा, इस वास्ते करके
मैं तो यही आखसा कि कोई भी कम करो हूँ गल पर आयो मैं तो चाहना सा उस तो पहले खूब सोचो जी 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 खूब छानबीन करो फिर जंप लगाओ। अच्छा शहजाद इकबाल साहब नाल असा उस दिन बैठे सा इन्होंने कारेज बेशक तो हमारे खालिद भाई ने एक इधर बड़ी तंजीम है वो कहते हैं कि जी असा जहाँ कोई मुसलमान है नहीं असी मुसलमान और तो सारे हैं वहीं बिल्कुल बिल्कुल उनको उन्होंने फ़ोन किया कि एक उर्स मुबारक का मिलाद शरीफ का पोस्टर लगाना है आपकी मस्जिद में तो आप अपनी मस्जिदों में ऐलान भी कराएं और पोस्टर भी लगाएं। तो उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त नहीं हम किसी का अपनी तंजीम के अलावा किसी का पोस्टर या किसी का ऐलान नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि ये तारीखी बात है हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है पाको हिंद बड़े शहीर में हजूर माजूस के साथ में ड्यू रिस्पेक्ट हमारे साथ एक कॉलर है तो अगर मैं वो ले लूँ तो क्या मर्जी इजाज़त है। बिस्मिल्लाह हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आर यू टेकिंग द लाइव कॉल्स फॉर क्वेश्चंस व्हाट्स योर नेम सर एंड वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम सर माय नेम इज शफीक एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम ओल्डम शफीक फ्रॉम ओल्डम गो अहेड सर यू आर लाइव नाउ गो अहेड राइट या द क्वेश्चन आई हैव फॉर Peer Sahib is, I want to ask him, what's the benefits of zikr and how often should we perform zikr? No problem, sir. Leave that with me. Inshallah, we'll get that question given to Peer Sahib in a few minutes. Thank you very much. I keep watching your Britain. Many thanks. Jee, sir. Oh, maine phir arz kiya ke maine jo historical baat hai, ye history gua hai, ye tarikhi baat hai. के बरे सगीर पाको हिंद बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका इसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। हर अगर सात बंदे थे घर में तो उसके सात मुख्तलिफ फेथ थे। जी जी तो यहाँ पे सूफ़ी आए सूफिया इकराम आए और इन्होंने लाल अल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद की। जी जी तो आज हमने जिनसे इस्लाम सीखा उन्हीं के कोई प्रोग्राम हो कोई उर्स हो कोई मिलाद हो कोई इस किस्म का स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इनकार करते हैं। बड़े अफसोस की बात मुझे बहुत अफसोस हुआ बड़ा दुख हुआ कि उनको अपने इस इन बातों पे उन्हें अपना सोच विचार करनी चाहिए और कोई उसका डिसीजन बनाना चाहिए और हमें भी डिसीजन बनाना चाहिए कि हम किस को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ लिबास पर मत जाएँ देखे कि इसके अंदर भी कुछ है या नहीं। यानी बिल्कुल असल मसला ये है या किसी से इसका सही लिंक है या नहीं है। लंबे लंबे चोले देखकर बड़ी बड़ी पगड़ियां देखे तो हमारी आवाम जो है वो कहते नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है जब तक आपने कहा उस वक्त तक ठीक है जब उनको अच्छा खासा टीका लगता है ना तो उसके बाद उनकी आंखें फिर खुलती है तो वो तो बहुत लेट हो जाता है मसला और फिर टीका लग गया फिर हजूर वो वैक्सीन को भी डाला होना टीका। अच्छा थोड़ा जहा मैं चाहना कि क्योंकि तुसा हूँ अपनी जी सारी मादरी जबान है पटवारी बड़ी एक मिठास है इस विच बड़ी प्यारी जबान है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमारे व्यूज़ को मैं ये भी बताता जाऊँ कि अज़र साहब ने उर्दू में बात की है अभी थोड़े से इंग्लिश में भी जुमले कहेंगे टूवर्ड्स दी एंड लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने वो तार छेड़ दी है अपनी हमारी मीठी जो जबान है पटवारी जबान तो एक दो सवाल उसमें भी मैं मुनासिब समझता हूँ। अच्छा हजूर जरा तुसा गल की सी अगे अपने यंगस्टरों ने जड़े इतने ने बच्चे न असल वो तो होए कंफ्यूज जी सीधी हाँ। गल है क्योंकि उन्होंने जद एक बेसिक एक ईद एक बेसिक सेलिब्रेशन है ठीक है और हर साल दो बार असंके मौका मिलना है लेकिन उसने अंदर भी अगर मैं अपने बच्चों की गल करा मैं किसी होर नहीं बच्चों नहीं गल करना कि माड़े अपने बच्चे दो दो ईदा ही घर भी मनाने पे एक दिन वो वालदा नाल ईद हो सी एक दिन वो वालद नाल ईद हो सी और 22 साल तो गालबन ये सिस्टम चली रही है। चल रहा बिल्कुल लेकिन तुसा उथा मजबूर हो गए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यू कैन फोर्स योर ओपिनियन ऑन एनीबॉडी क्योंकि उन्होंने आया कि जी असा इस दिन मना सा इस दिन मना सा हूँ मसला ये पैदा होया वजूर कि अगे तो यह ना कि बाकी असा अकीदियाँ या फिरकियाँ असा कि थोड़ा जी इशू है सी इस ईद पर असा तकिया और तुसा भी तकिया कि सुन्नत अल जमात ना जरा फिरका अपना जिसकी असा फॉलो करने हैं उसने अंदर भी त्रै त्रै ईद ये तो बिल्कुल हजूर आगे जो आने वाला वक्त जरा हूँ अगले साल है या उस तो अगले साल है ये हजूर क्या बन सी इन्ना बच्चों या इस क्या हूँ किस तरह इस सिस्टम की दोबारा खेड़िया जा सके और मैं देखा कि चंद ऐसा ऑर्गनाइजेशन या ऐसा तनजीम या ऐसे पीर हजरात हैं कि बस वो
क्या जी असा लोगों की गठियां कर सा ओ तो सोई पता के बस एक ओ असानी कम्युनिटी च एक बड़ा रोला है कि हर आदमी आना मैं ही चौधरी हां पीरें च भी ये गल आने उलमाज राति च ये गल आने कोई चौधरी बने लेकिन असा की होल कम्युनिटी ना सोचना चाहिए ना जी जी एक डिसीजन करो मैं तो 30 साल हो गए ये गल आने के ईद एक दिन होनी चाहिए एटलीस्ट अच्छा सारे सोच विचार करके एक दिन ईद ना प्रोग्राम होना चाहिए ताकि कम्युनिटी बटे ना ठीक है और फिर यह है कि असा ने जेड़े नौजवान है वाकई यो कन्फ्यूज्ड है और असा ने चोले देख दे के दाड़ियाँ लम्बियाँ पगा ओ कोई बंदा उन्हें कि दाड़ी वाला नज़र अच्छा चोले वाला तो रोड क्रॉस करे दुए पास उसकी वजह यह है कि असा उन्हें कन्फ्यूज करता असा कोई थोड़ी मोहब्बत पैदा करा वास्ते दिल च खलूस पैदा करा प्यार नाल उन्हें की कोई दिलासा दया मेरे ते बड़े संगी है नौजवान बच्चे मैं जिस वक्त जाना तो वह मेरे नाल बच्चियां बच्चे बड़ी गपशप करने को मेरी आदत है कि मैं उन्होंने खुल मिल के गल कर बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह वो उन्हें की भी दिल करना कई आने के वो यू आर यू डिफरेंट पीर मैं क्या आई एम नॉट पीर शीर कोई ना मैं तो एक फकीर आदमी हूं अच्छा मेरा तो मकसद यह है कि जिंदगी खुदा मेरे कोई अच्छा काम करा दे बेशक है जी क्या बात है इस तो बड़ी क्योंकि किसी भी इस जमीन पर सदा नहीं रहना भावे किसी मजहब ना बनना है बेशक मौत उस पीछे लगी जी जी ए थोड़ा जहा मौका आया असा कि चाहिए कि असा कोई ऐसा अच्छा काम कर जाइए कि असन ये नस्ल असा की याद कर हजूर हमारे को मीडिया ने थ्रू काफ़ी मैसेज भी आए रहे मैं किस ना लवान फोन लाइन मैं दसिया गया प्रोड्यूसर साहब दसने के 10 सालाना ना सारिया लाइव और 10 नहीं 10 लाइव फ्लैश करी रही स्टूडियो ने अंदर अगर मैं फोन नहीं तरफ गया उठी तो फिर मैं यार तो बहुत मुश्किल हो सी सारे सवाल तो मैं माजस करना उन्होंने दोस्तों की भैन भाई कि मैं कोशिश करना एक दो और फोन लाइन कॉल्स कि नहीं लेकिन मैं ये भी कोशिश करना कि हमारे को काफ़ी सवाल जेडे मैं चाहना कैसे साहब इन्होंने जवाब देना और वक्त ना समझ फायदा उठाऊँ क्योंकि बार बार सभी पता है ये मौका नहीं मिलना और अलहमदुल्ला अज साहब सा नाल नाज तो इसी वजह तो जरूर थोड़ा जहा सवालों ने जवाब पहले मैं लाजमी समझना बेहतर ना अच्छा अजू थोड़ा जहाँ मैं अगर चलना अगर ऐसी गल है तुसा बच्चों की भी इंटरैक्शन है तुसा बजुर्गों नाल भी है तुसा बड़ी पुरानी दास्तान है तो अजूर तुसा लोगों की रिक्वेस्ट पर भैं पुरानी रिक्वेस्ट पर यकीन करो जब मैं प्रोग्राम में प्रोमो लिया हजारा ने लोगों मन रबता किया ठीक है और उन्हें कहा कि अगर ऐसी गल है तो अस सब तुसा इसकी क्यों ना लीड करी दे तुसा इस चीज़ की क्यों ना लीड करने पे लीड तो करने हर एक तैयार है इंशाल्लाह कोई घबराहट नहीं जी जी सिर्फ यह कि वो गल जी मैं पहले की थी ना हर आदमी आना मैं बड़ा चौधरी हाँ अच्छा इस चक्कर फिर कोई मसला असा कि चाहिए ना कि असा एक दूसरे की गल सुनी है एक दूसरे की गल की बर्दाश्त करिए फिर अपना नुकता जो नज़र है उसकी पेश करिए तो एक कोई इतना मसला नहीं हर मसला जो है वो टेबल ऊपर बह के हल हो सकना तो ये इतना कोई मसला नहीं ये जितने भी उलमा हज़रात है या मशाइख है जेड़े इस वक्त बड़ी अगे अगे उन्हें की चाहिए ना कि वो इस कम्युनिटी की बटने थी और इख्तलाफ थी बचाने कोई ऐसा रखता रस्ता अख्तियार करने के कम अज़ कम ई दसा एक दिन कर हजूर मैं तुम ऐसा भी दसना जी टेबल पर गल की ना इस तू पहले बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होए बड़े बड़े यकीन करो जिन्ना मेहमाना की बुलाया गया ना वो मेहमान उत्थे टेबल पर बेही तो मुँह पर कुछ और बाने न और पिछू कंडी और बाने और जिन्ना की बुलाया गया वा होना जिन्ना होस्ट जिन्ना की बुलाने न वो भी जल्द टेबल पर आने तो जी क्या उन्होंने सिफत न मैं पुल बनी उन्हें तो जिला थोड़ा जहा डोर तू किनारा होने ना तो उन्हें पाए इस तरह को दिमाग ही नहीं सी ठीक है ही है जै हजूर है तो सारी हालात है चंद मैं सारे नहीं दोबारा चौथी बारी आखिर चंद उलमानी और पीरानी है तो सूरत वाल है हजूर उत्थे यूनिटी किस तरह पैदा हुआ है मैं अगले सवाल तो भी चलना जस्ट बिफोर आई डू दैट जो हमारी कंची टीवी की अभी लाइव अपील चल रही है टेलीफोन लाइन्स आर ओपन और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने हमारे बहन भाई हैं प्लीज़ सपोर्ट कंची टीवी दिस इज़ लाइव अपील विच इज़ टेकिंग प्लेस जस्ट फॉर टुडे And then after my program, it will continue to take place later till approximately 9 o'clock, I believe. Then we all have other entertainment programs. So, इसके वाले से please हमारे बहन भाइयों को दोबारा request है. ये आपका TV है, ये आपका channel है. आपने इसको कामयाब करना है, आपने इसको चलाना है. Thank you very much. अच्छा, हजूर थोड़ा सा वापस मैं आता हूँ अपनी
हमारे साथ एक और लाइव कॉल है, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान और कहां से बोल रहे हैं आप? हालत बोल रहा हूँ बर्मिंगम से, बड़ी खुशी हुई है आप प्रोग्राम कर रहे हैं पीर साहब, माशाल्लाह सलाम पेश करना है। जी जी वालेकुम सलाम जी, कोई सवाल पीर साहब से? पीर साहब से सवाल है कि जी जी मैं सुनना है ना, सो दसो ना, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ हतम खाजगान? अच्छा, खत्म खत्म शरीफ ने क्या बेनिफिट हो? खत्म खाजगान, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, इंशाल्लाह। सो तकड़े रहो तो पीर साहब थोड़ी देर तो बाद सो की जवाब दे सकते। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, बड़ी नवाजिश। अच्छा सर, थोड़ा जहाँ मैं हूँ अगे चलना, क्योंकि मल्टी फेथ ने हवाले नाल जेड़ा प्रोग्राम असा इस तो पहले भी तकिया, जितने भी यूके ने अंदर एक कॉन्फ्रेंसा हुई, चाहे बर्मिंगम च हुई, मैनचेस्टर, लंडन, जिते भी हुई ना, उसने अंदर, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और जितने भी मज़हब है ना, हिंदुइज़म है, क्रिश्चियन है, जूश है, कोई भी मज़हब है, वो तुसा कि हमेशा लव, पीस नहीं और हामनी सिखाने ना। कोई मज़हब यह नहीं आना कि तुसा आया ए कम करो, हमेशा तुसा की आखसन कि एक दूसरे ना प्यार बंडो, प्यार नाल मिलो, प्यार तुसा एक दूसरे नाल शेयर करो। अजर सब तो पहले ते मैं इसने वाले ने तुसा को पूछना चाहना कि जेड़ा प्रोग्राम तुसा बाई तारीख करी रहे हो और जिस तरह तुसा दिया दुआ नाल और इजाजत नाल अलहमदुलिल्लाह उसकी खुद भी मैं कंडक्ट करी रहा, उस काफ़ी बाकी कम्यूनिटी ने लोग भी आए रहे न, क्रिश्चियन भी आए रहे न, हिंदू भी आए रहे न, सिख भी आए रहे न, होर भी काफ़ी कम्यूनिटी ने लोग आए रहे न, इसने हवाले ना मल्टी फेथ ने हवाले नाल मैं चाहना तुसा जितनी भी कम्यूनिटी सारिया सुनी रही 180 मुल्क सुने और लखा मिलियन ऑफ व्यूज आर वॉचिंग अस, उसने हवाले नाल तुसा मल्टी फेथ ने हवाले नाल लोगों की क्या मैसेज देना चाहते हो? ह्यूमन कम्यूनिटी है जी जी, उस विच हर इंसान की अल्लाह इख्तियार दिता कि वो अपने सोचने मुताबक जो भी मज़हब या जो भी फेथ हो करना चाहे वो करे। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस वक़्त मक्का फतह होया तो आप गुजर रहे थे, एक कुत्ती सुई सी, अच्छा, एक साबिनी ड्यूटी लगाती कि इस इतने बच्चे जी, ऐसा ना हो कि किसी ने पैर हेठ इसने बच्चे आ जाए। जो मज़हब इस तरह की सोच रखना क्या वो किसी नाल ज्याती या किसी नाल तौंस या किसी नाल किस इस तरह अच्छा। ना जो है वो कम नहीं कर सकना। वैसे भी इस्लामी जो कम है कि 40 घर इधर 40 घर इधर जो पड़ोसी वो तुसा थी नाराज़ हो तो जन्नत ने हकदार नहीं हो, जन्नत चाहिए नहीं तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुसलमान ही हो, कोई भी इंसान है, इंसान पहले है फिर मज़हब है, फिर मज़हब और मज़हब जो है ना इंसान की इंसानियत सिखाना। बेशक हाँ, इख्तलाफात अपनी जगह है, बेशक कोई अगर किसी ने इज्जत पर हमला करना तो उसी कोई इजाज़त नहीं, वो एक सेपरेट इशू है, नॉट एक्सेप्ट। जनरली जो है वो जड़ा असा की सारे इंसान है और असा की आया गया कि तुम अपने मज़हब ना कर रखो, तुम दूसरे की मत छेड़ो, बेशक अगर उसकी अपने तरफ लाना चाहे तो अपनी अखलाक बुलंद करो, बेशक अपनी आदत जो है उन्होंने मोहब्बत और प्यार पैदा करो। क्या बात है, ताकि डंडे डंडे चाय भी था क्या पीछे डंडे ताने जी, तुम्हें नहीं पता सा कौन तुम्हें नहीं पता सा कौन हजूर, इस तरह नहीं ना कोई बंदा मनना, कम से कम रौड़े उड़े ना साड़ी जबान च सोटी ना गदा मंगना, ना तेरी ना मेरी मिट्टी दी ढेरी, बिल्कुल बिल्कुल और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो उसने वाले नाल जरा ये प्रोग्राम करी दिया 22 तारीख, जरा तुसा अलहमदुल्लाह बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बर्मिंगम हो रहा, गंगोल शरीफ 2 बजे संडे जरा प्रोग्राम हो रहा, उसने वाले ने जिस तरह मैं पहले भी अर्ज की है कि काफ़ी लोग सारी कम्यूनिटी ने इस मल्टी फेक इवेंट में हाजिर हो सन और असा की बड़ी खुशी है कि अलहमदुल्ला के सारिया कम्यूनिटी, उसने वाले ना मैं चाहना कि तुसा एक तय जितने सारे नाजरीन उन्होंने दावत भी दियो, ठीक है, और दावत तो अलावा इस प्रोग्राम ने अंदर थोड़ा जहाँ उन्होंने गाइड करी उड़ो उसने टाइमिंग वाले ना और प्रोग्राम ने अंदर क्या कुछ उसी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम मरकजी जामा मस्जिद गंगोल शरीफ बर्मिंगम जोर नी नमाज तो बाद तकरीबन 2 बजे ठीक है शुरू हो जैसी, ठीक है ते असा कोशिश करसा के असर त
तक खत्म हो जाए। ठीक है, दो बजे किनी तो छः सात बजे ठीक है, रफली चौपंजा घंटे प्रोग्राम। ठीक है, तो असानी कोशिश ये है कि जो सूफिया ने प्रोग्राम होने ना, इसी कोई पाबंदी नहीं, इस इसकी सब की वेलकम है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबान सबान हो सकना किसी ने दिल अल्लाह अपनी मोहब्बत जगा दे तो राय हकीकत पर आ जाए। बेशक मकसद यही है। बेशक तो मेरा तो जिंदगी ना मकसद 50 साल इतने हो गए, ना कोई मकान बनाए थे ना गड्डिया बनाइया। अजूरी सवाल है पर तो मैं अच्छा चाहना सा कि मिकी मैसेज भी काफ़ी आए रहे, लेकिन हूँ मैं इस सवाल पर भी अच्छा चाह सा, तुम अपनी दावत पहले कंप्लीट करो तो फिर इस सवाल पर मैं तो मैं पुरजोर सारे की दावत दे रहा, चाहे किसी भी सोचना बंदा है जितने भी मुसलमान हैं स्पेशली मुसलमानों वास्ते कि वह जरूर इस बच्चे हाजिर होर कम्यूनिटी ने लोग जेडे किसी होर फेथ ने किसी होर मुल्क ने सब की इनविटेशन की दावत ऑलरेडी दी दावत है, जरूर वो भी तशरीफ लिया जी जी और इस इवेंट की कामयाब करो। एक स्पिरिचुअल इवेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ असानी भलाई ना वास्ते है, और जिक्र जड़ा है ना इस्लाम में जिक्र एक आम पहलू है, और ख़त्म ख्वाजगान शरीफ जो है ये पूरियां बीमारियां पूरियां मुश्किलात नहीं ख़त्म होने नहीं चाबी है, अगर कोई पढ़े तो उस वास्ते बहुत अच्छा है, असा को यही नुस्खा है। अच्छा सारे को एक और मैसेज है, सारी सिस्टर समीना ना डू इवेंट्स रेगुलरली। अच्छा मैसेज हजूर यह है कि हजूर तुसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपर या कोई ऐसी जगह है जिथे तुसा की लोग मुलाकात और उस तो बाद को वीकली को जिक्र या को वीकली तुसा या मंथली या डेली या जिस तरीके ना तुसा एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के मुताबिक कोई है कि लोग तुसा नाल इंटरएक्टिव हमेशा रहन उन्ना तक है। हाँ बिल्कुल, असा हर वक्त अवेलेबल हाँ, असा उत्थे एक छोटा जा मरकज है ओल्ड हम। ठीक है, जामिया कासमिया मैनचेस्टर विच। ठीक है, ओल्ड हम। अच्छा अच्छा, मैनचेस्टर नाल है। मैनचेस्टर नाल है। ओके, तो मरकजी जामिया मस्जिद मोड़ा शरीफ। ठीक है, तो उत्थे असा माना महफिल करने हैं। ठीक है, जिक्रे सुबहानवी सुबहानी और ग्यारहवीं शरीफ, तो वो पिछे कुछ लॉकडाउन की वजह ना मुलतवी सी, तो इंशाल्लाह जल्द असा वो शुरू कर दे सा। ठीक है, असा ना मकसद और हर बंदा उसने विच इनविटेशन इनवाइट है, इनवाइट है और उसने डाउट एनी मतलब डाउट बिल्कुल बहुत विदाउट एनी मतलब अदर एब्लिगेशन एवरी सिंगल ह्यूमन इज वेलकम देयर। माशाल्लाह क्या बात है, नो जबरदस्त जबरदस्त मैसेज। एक सवाल तुसा ने सवाल लाने तो पहले एक और सवाल मेरे को है कि जेड़े सारे दोबारा में जरूरी समझना क्यों के एहसास इस तरह होना प्यासा की कि सारी नौजवान नस्ल आस्ता 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 ड्रिफ्ट होनी पी जरूर। हाँ, सच्ची गल है और बहुत एक फिक्र वाली गल है, और ना सिर्फ मैं इस्लाम ने वाले नाल गल करी रहा या मुसलमान ने वाले नाल कर रहा, चाहे वो सिख कम्यूनिटी है हिंदू कम्यूनिटी है जूश कम्यूनिटी जो भी कम्यूनिटी है जिथे तक तो उन्होंने बड़े है सुनो उत्थे तक तो उन्होंने को कंट्रोल चंगा मंदा है सी। हाँ। हूँ ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्होंने कम्यूनिटियों भी अंदर काफ़ी बच्चे जो नौजवान हो वह बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट पर छोड़ी तो मतलब एक उन्होंने इतनी मालूमात नहीं या इतनी इनफॉर्मेशन नहीं उन्होंने को, लेकिन पर्टिकुलर साढ़े जी मुसलमानों एक सिस्टम है या मजहब है इस काफ़ी लोग में तकी रही काफ़ी बच्चे नौजवान तकी रही में हजूर बिल्कुल ड्रिफ्ट होने पे और सारे तक बहुत बड़ा एक खतरा है, तो इसने हवाले नाल मैं नौजवान नस्ल की और बच्चों की और उन्होंने माओ प्यू की क्या मैसेज है कि अगर होर को दुनिया ना कम हो तो वो अलहमदुल्ला दिन नहीं देखने रात नहीं देखने, तुम्हें पता है पिछले दिनों में आए उन्होंने दिता से 50% ऑफ के जाओ जी 50% रेस्टोरेंट खाना सो खाओ। माशाल्लाह हुजूर यकीन लेना लग गई लेना कह जिन्ना बंदियां व्हील चेयर पर भी जड़े अलहमदुल्ला सारे बुजुर्ग अल्लाह ताला उन्होंने की सेहत दे सारियां जो बुजुर्ग सन वो भी अलहमदुल्ला लाने जरूर लगे हुए सन कि 50 अले खान पाओ या खान हो या ना खान हो, लेकिन उन्ना जरा ना उत्थे जरूर लाइन में उन्हें जरूर लगना सी। सो इस हवाले अगर तुम उस लाइन नहीं लगी सकने हो तो जो तुम मजहब है कोई मजहब है तुसा क्या तुसा आया थोड़ा जहा टाइम क्ढी तो अपने बच्चों की अपनी कम्यूनिटी की तुसा ये फायदा न पहुँचाई सकने, इस हवाले जरूर एक मैसेज में चाहना तुसा अपनी कम्यूनिटी सारे जितने बुजुर्ग है जितने असाने उलमा और मशाइख है जितने अकाबरीन है कम्यूनिटी है असा पर ज़्यादा ये जिम्मेदारी आनी कि असा इसने मुतल सोचा
और इस मैसेज की इजी करके उन्होंने तक भेजा ताकि वो असानी तरफ तवज्जो होना नहीं हुआ। और मैं नोट कर रहा कि बच्चे जड़े ना एहतियाज हो रहे मैं बिल्कुल ये दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन एट ऑल दे हैव लॉस्ट द होल दे लॉस्ट द पाथ इट इज ये आसान से बड़ा लंबा फिक्री है बिल्कुल असा पैसे ते इथे ही रह जासन ते असानी औलादा जेणियां असानी अगियां जनरेशन जेणियां ओ बिल्कुल ओ जिस तरह ईस्ट अफ्रीका ते लोग थे ऐसे ताने मोहम्मद हैं ते तेरा मतलब क्या था आई डोंट नो माय नेम इज मोहम्मद बिल्कुल बेशक तो इस सिचुएशन तो बचने वास्ते थोड़ा असान की टाइम अपने बच्चों की देना पैसी असाने उलमाज रात की देना पैसी असाने मशाइख की देना पैसी अगर वो टाइम उनके फ्री हाँ। मिलसी तो अपने जड़ी उन्होंने कारोबार उसने भी अगर फ्री हो सन क्योंकि हाँ। इले तो फिलहाल थोड़ा कटना पैसा उन्हें तो फिलहाल सब माया है हाँ। सब माया है जितना सब माया हो जाए तो उत्थे फिर उन्होंने की और कोई चीज़ नजरी नहीं पैनी सो यह है कि मैं उम्मीद करना कि ओ उलमा ओ पीर हजरात ओ पंडित ओ मंत्री जेड़े भी न अगर हजरत साहब का मैसेज बड़ा क्लीयर वाजिया जा ही रहा कि यह पैसे गड्डिया बड़िया बड़िया तुसानिया जमीन बड़े बड़े होर सिस्टम जो तुसा अपने इफ्जामान रखे हुए अपने कंट्रोल ही रखे हुए इन्होंने को थोड़ा जहाँ अगर तुम बची तो अपने बच्चों की और अपनी कम्यूनिटी की टाइम दो तो बहुत बड़ा तुसा तो फायदा उसी और इस कम्यूनिटी का फायदा क्योंकि ये बच्चे कल चाहे जिस सब क्या एथियस्ट वो किस मजहब की नहीं मान लें ये नहीं कि मैं सिर्फ इस्लाम की गल करी दी हाँ बाकी मजहबों की मैं गल करना वो बिल्कुल अपने अपने मजहबों तो दूर हो जा सन लेकिन यह असा तो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अच्छा अजूर तुसा थोड़ा जहाँ मैंशन किया कि 70 साल इस मुल्क हो गए गल में 60 या 70 साल आख्या 50 साल 50 साल अगर हो गए 50 साल भी थोड़ी हजूर उम्र तो नहीं नौनी 50 साल एक बंदे की पूरी जिंदगी लाइफ 50 साल भी चल अलहमदुल्ला हमेशा अल्लाह और अल्लाह रसूल ना हुक्म के मुताबिक तुसा जितना तक हो ही सकया तुसा अलहमदुल्ला और रूल ते रेगुलेशन अबई किते ना ठीक है आमीन और सुमामीन और आइंदा भी इे मैसेज तुसा ना है तुसा को गड्डिया नहीं किंदियां बड़िया बड़िया मकान नहीं किंदे कोई होर कोई कारोबार नहीं किया ते हजूर उसने हवाले नाल मैं चाहना आ कि थोड़ा जा तुसा अपने हवाले नाल भी दसो मामूली जी इनफॉर्मेशन और जड़े अलहमदुलिल्लाह दोबारा इस चीज़ की अहमियत देने पे उन्हें भी मैसेज दियो कि शायद तुसानी जुबान मुबारक चू उन्होंने कोई अकल च पई जाए आमीन। बस एक चीज़ इंसान की जहन च रखनी चाहिए हजूर ने फरमाया कि मौत नहीं दुआ ना करो लेकिन मौत की हर वक्त याद रखो वाह असा ये जहन ये गल रखनी चाहिए कि असा वी आर नॉट हेयर फॉर लॉन्ग टाइम नोबडी इज हियर फॉरएवर लिमिटेड पीरियड बेशक तो उस विच तुसानी जो भी ड्यूटी है अगर कोई मजहबी बंदा है तो उसनी मजहबी ड्यूटी है कि वो अपने दीन नहीं चाहे किसी भी मजहब नाल है आसान करके इस्लामी तो हुक्म है कि इस्लाम की आसान करके पेश करो ताकि लोग सनी तरफ आ अच्छा सख्ती मत करो ठीक है अपने असा नौजवानों की तरफ असं की तवज्जो करनी चाहिए थोड़ा जहा अपनी जाति जो असने इंटरेस्ट है उनके थोड़ा जहा कम करके दूसरे ने इंटरेस्ट की भी देखना आने हर वेले अपना नहीं सोचना चाहिए किसी वेले दूसरे ने मतलब भी सोचो हजूर एक और मैसेज आया साढ़े को ठीक है साढ़े पाई न शरीफ साहब ठीक है उन्हें आख्या के एंड किसिंग एंड रनिंग आफ्टर दैम ये कितना लिखा वा क्योंकि मैं तो उन्होंने जरा सवाल इंग्लिश किया लेकिन मैं थोड़ा जहा अपनी जुबान उसकी ये कितना लिखा वा कि जरा ड्रामा इन्ना बनाया वा कि भाई जी पिछे 10-10 बंदे लाए हुए अपने मरीद ठीक है उस तो अलावा चुमा चुमी होनी पी कोई इधर प्यार देना पाया कोई इधर बूट उचाना पाया कोई इधर जरा ना जलियाँ मारना पाया पाई हर एक क्वेश्चन है क्या इज दैट राइट इज दैट द वे इट शुड बी इसने हवाले ना हजूर ए शरीफ साहब ने परमी काम तो तलक ए सवाल जरा किसी किसी मोहब्बत है तो किसी की अहमियत देना वो अलहदा गल है ठीक है लेकिन यह है कि जांच पड़ताल करना बड़ा जरूरी है ठीक है जो भी बंदा कोई किसे अगर मैं सपोज हूँ मैं अपील करा कि जी मैं फलाना कोई दीनी काम या फलाई काम करने लगे जी जी तो अंधा दुध नहीं चाहिए कि उस विच शामिल हो पहले तहकीक करो कि आया कि वो मैं कोई उस पर कम अज कम जो उस ले रहा कोई 80% उस पर लगना चाहिए बेशक है जी
میں ذرا کھلی گل کر نہیں کھلی سکرو حضور کی لوک سنتے لکھاں ہزاراں لوک سنا چڑے 90% میں اپنے اوپر لانا تے 10% اس اوپر لانا تے او پھر تساں نا خود گل ہے اور ایک گل محبت علی اگر کسی نے کوئی محبت کرنا یا اخلاق نال پیش آنا یا کسی کی اہمیت دینا وہ ایک علیحدہ گل ہے ٹھیک ہے لیکن اس جڑے ویلفیئر کم ہے یا دینی کم ہے انہاں وچ چھان بین کرنا اور تسلی کرنا اور پھر قدم اٹھانا یہ بڑا ضروری ہے سو پائنٹ سو جواب عزیز صاحب نے سنی کیندا کہ اگر تساں نا دل چاہنا سو پیار کرنے ہو دیٹس اے سیپریٹ ایشو لیکن کمپلسری نہیں کہ جس طرح سوال لکھا کہ از دیٹ رائٹ اور رانگ اس جواب وچ نہ کوئی رائٹ ہے نہ کوئی رانگ ہے اگر تساں کو دل چاہنا تے پہلے تے جس طرح ہر مذہب سے آنا کہ اپنے والدین نہیں تساں سب تو پہلے کرو اگر تساں نے کسے نے ہاتھ چومنے نہ یا کسے نے پاؤں پینا تو پہلے اپنے والدین نے پاؤں تو اس تو بعد دوے تریے نے تساں کنسیڈر کرو لیکن الحمدللہ جاہلیت نہ بھی کوئی ہے سسٹم تقاضا ہے لوگوں کی اتنی ایجوکیشن حضور نہیں سو اس وجہ تو ہی یہ چیزاں کافی کمیونٹی نے اندر پھیلانی میں سمجھنا کہ ہوں تو کافی کٹ ہوئی گئیں لیکن اور آئندہ جڑے اچھے والے 2-4-5-10 سال یہ تو بالکل اور انہیں کی جتنے بھی تو یقین کرو پیر ہے نا اور میں ہر نہیں گلنا دوبارہ کری دیا لیکن میجورٹی انہیں کی فکر ہے کہ سارا اگلے 5 سال کیا بنسی وہ اپنا وقت تکنے کہ جڑے اگلے 5 سال زندہ رہ سو بھی کہنا نہیں بہرحال انہیں کی ڈر ہونا کہ ہوں تو چلو جی سیکنڈ جنریشن جی سی وہ تو ٹھیک ہے یا تھرڈ جی ہے نا ادو اد ٹھیک ہے لیکن جی آئندہ بچے نا مثلا جی ہوں بچے گرو اپ ہونے 14-15-16 سال انہیں تو کوئی مطلب اس قسم نہیں ہے ہی کوئی انہیں ذہن یا مائنڈ نہیں سو انہیں کی آنے ہونے ساری زبان کئی کی سارے کی نہیں حضور اصل بار بار یہ آخنا چوراں کی اپنی ججنی ہونی کہ اصل اگے کیا بن سی اصل نہ گوجا کس طرح پڑھنا سی اصل کس پاسے جا سا سارا نظام کس طرح چل سی بہتر ہے کہ 5 سالاں یا 10 سالاں تو پہلے ہوں ہی سارا کام کری کنو یہ جڑا ہوں نا سسٹم ہے اس نے پر میں چاہنا تھوڑا جسا کرو کہ جڑا آنا کہ بس جی راتوں رات جڑا ہے نا میں اپنا کام سدھا کراں تو پھر تکے گا سسٹم بعد اے میں اگے بھی عرض کیتا نا کہ انہاں نا قصور نہیں کہ او تساں ہن کسے عمل پیچھے یا کسے اور غلط قسم نے جی اس نا قصور نہیں قصور اساں آیا کہ اساں ہمیں اس پیچھے دوڑنے ہاں وہ کوئی آنا جی رزق بند ہو گیا کوئی آنا جی شادی بند میں کہا قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ ہے کہ سارا نظام میرے ہاتھ چ ہے تو اگر تسا یہ گل آخسو تو پھر سارا بلیف کدھر گیا اور گورا شریف نے اپنے قبلہ پیر صاحب نہ تو کمار زینی نہ نکل گیا نصیر الدین نصیر الدین ٹھیک ہے رحمت اللہ انہاں کتنے وائرل ویڈیو ہوئے انہاں کیا میں ایک پیر نہ پتر ہاں پوتر ہاں اور جد میں تساں کے ہاتھ بننا کہ نسو بچو ہی نہ کلو دور نسو ہی نہ کلو تو یرا پھر تو سوائے کم کرنے او میں یاد آ گیا کہ ایک کچھ نہیں نہیں نہ کلو نہ ایک کچھ دے ہی سکنے تھے نہ ہی نہ کلو کچھ ہے نہیں بالکل بابا فرید آ گیا کہ کپڑے بھی میرے کالے تھے بینس بھی میرا کالا ہائے 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 لوکی آخن درویش ہے جی ہائے ہائے اٹھ فریدہ ستیا جا دنیا ویکھ ہائے ہائے کوئی بخشیا مل جائے تو تو بھی بخشیا جائے جائے جن لوگوں نے اتنا بڑا مقام ہے درویشی صوفیہ وچ انہیں نہیں سوچیا کہ اساں گناہگار ہاں عاجز ہاں بالکل تو کوئی بندہ اگر یہ کرے کلیم کہ میں بہت بڑا پریزگار ہاں یا میں بہت بڑا امانت دار ہاں تو یا میں بہت بڑا ایک بڑا کوئی میں پیر ہاں یا درویش ہاں تو یہ گل سوٹیبل نہیں آنے جس کو پیسے ہونے نا تو سامنے بوجھ نہیں رکھنا چھپا کے رکھنا اور جس کو کچھ ہونا نا وہ عاجز ہونا سر چکیا نا نانی بارگاہ وچ تو جس کو کچھ نہیں ہونا ایو پہ آ کرنا ہو میں اجا او کرنا میاں مٹھو ہے جڑا نا ماشاءاللہ بہرحال حضور آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہمارے کول بالکل تھوڑا ہے اور اس سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ اورز فرام دیز فیک پیپل اچھا سوال یہ آیا کہ ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ اور سیلف فرام فیک پیرز اینڈ فیک پیپل ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ اور سیلف مطلب کوئی تساں انہاں کی جتنے بھی سارے ناظرین سننے نا کہ جڑے جائلی بنتے ہوئے یا انہیں ڈرامہ بنایا ہوا انہاں کول بچنے کا طریقہ کیا ہے او میں 30 سال ہو گئی ہے گل آخنا او خدا نے بندے ہو ایک نہ جاؤ انہاں کول پیچھے نہ دوڑو ہائے ہائے اگر کوئی تکلیف ہے تے خدا نی بارگاہ وچ مصطفیٰ نا واسطہ دیو اللہ رحم فرماسی اور کوئی سچے لوگ ہیں اگر تسانی نظر کوئی سچا ہے تو وہ آنے نا قرآن ہی جی آیا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کا ساتھ دو تو میں تے میری والدہ زندگی وچ کوئی گل نہیں آخی
ना उन्हें आखिया पौंड चाहिए ना कपड़ा चाहिए ना कुछ। उन्हें एक गल आखी, उन्हें बच्चा जिंदगी विच सच बोलो और सच ना साज दो तो हमें मुंडी उड़ जाए, एक दिन हमें मरना। अगर सच वास्ते मरसो तो शहीदें च ना हो जैसी। बिल्कुल सच्ची गल करो, सच्ची गल करो, स्पीक द ट्रूथ। हाँ बिल्कुल, मैं अगे आखना होना कि इट्स वेरी हार्ड टू स्वालो द ट्रूथ। बिल्कुल, बर्दाश्त नहीं करी, बर्दाश्त नहीं सुनी नहीं सकने। तो मी तो कोई किसे किस्म नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। और क्या चाहिए ना, बिल्कुल रोटी तुसा की लभनी, गड्डी सा की लभ जानी, बहने वास्ते घर रहने वास्ते है, तो और कुछ के अलावा क्या ख्वाहिश है। तो ये दुआ करने के खुदाया आखिरी जो सफर है वो अच्छा हो। इस तो बड़ी ख्वाहिश है, इस तो बड़ी कड़ा हुआ हुजूर, उस तो बड़ी ख्वाहिश है कि पिछे को 10-20 चेले फिरने होवन, उस तो बड़ी ख्वाहिश होनी है कि जगह सारे को काफी हो है। और बढ़िया बढ़िया हुजूर ख्वाहिश है, बड़े बड़े ख्वाहिश, बढ़िया बढ़िया उन्होंने सपने होने। बस इस चीज की खत्म करने का तरीका यही है कि हर कदम इस्लाम ने हुक्म ने मुताबिक हर कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचो और छानबीन करो। बिल्कुल, और इस्लाम की रस्सी की मजबूती नाल पकड़ो बस। आखिर अज़ीज़ साहब का मैसेज है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस। ट्रूथ इज द ट्रूथ। एवरी रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड इज देयर टू प्रमोट लव, पीस, हार्मनी एंड ट्रूथ। ऑलवेज स्टेट व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट यू बिलीव इज द ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, इज द बेस्ट पॉलिसी। और जो दो चौं दिन तक चोलिया शोलिया का ड्रामा होना, उसे पता हज़ूर लिमिटेड टाइम तो होना, उस तो बाद खत्म हो जाना। ये तो एक लंग टाइम तो नहीं होना, लोग आस्ता 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 ड्रिफ्ट होना जाने, तो फिर जल्द उन्हें घुमा पैना, तो जो नाल होने ना उन्हें की शुरू हो जाने, उन्हें पाई और तो कोई नहीं अच्छा तुसा की ठीक करने आना। हज़ूर बड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं अपनी तरफों कांची टीवी की तरफों जनाब ना बेहद शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ताला सा की सेहत और जिंदगी दे, और इंशाल्लाह 22 तारीख के हवाले नाल तमाम भैणा भरा की रिक्वेस्ट है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कि तुसा जाओ और ये मल्टी फेथ ना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा बर्मिंघम में अंदर, संडे द 22nd इन गंगोल शरीफ एट 2 PM। एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू अटेंड दैट, फूड विल बी सर्व्ड। And inshallah, once again, on behalf of myself, congratulations on the Independence Day on the 14th and the 15th. And also, please make sure that you support Kanchi TV. The lines are open for the live appeal. It's your support that makes us go day by day. And without your support, maybe we wouldn't be here. Thank you very much for watching Your Britain. Thank you very much for watching Kanchi TV. Till next week, same time, same place, I will see you back here. And don't forget to watch the repeat 2 p.m. on Friday. Love, peace, respect. Respect for everyone. Bye bye. Allah Hafiz.